welcome back to my channel Shop Eat Travel Repeat. आपका कोने मेरी बंजारा मार्केट टूर वीडियो तो देख ली होगी एंड यू मस्ट हैव सीन द अमेजिंग कलेक्शन दे हैव दिस टाइम. सो एवरी टाइम आई थिंक कि मैं वहां जाऊंगी और मुझे कुछ ज्यादा नहीं पसंद में आएगा बिकॉज आई हैव सीन इट ऑल और मैं बस वीडियो के लिए जाऊंगी एंड आई वांट टू शो यू गाइस की कलेक्शन कैसी है एंड आई एंड अप बाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज वो इतने टेम्पटिंग होते हैं कि आप रेजिस्ट नहीं कर सकते एंड दिस टाइम ऑल्सो दिस हैपेंड विद मी. और इस टाइम तो इट वॉज रियली सरप्राइजिंग, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, बहुत सारे आइटम्स थे वहाँ पे एंड आई डिड शॉप अगेन अ लॉट ऑफ थिंग. फर्स्ट आइटम जो मैं बताना चाहूंगी दैट इज दिस वॉटरिंग कैन. सो आई वॉज स्पॉटिंग दिस कैन ऑन आइकिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई थिंक उस पर ये 600 के अराउंड था, 600 और 800, बट एग्जैक्टली सेम यही कैन था एंड दिस टाइम द मार्केट वॉज फिल्ड विद वॉटरिंग कैन लाइक दिस. ये तो पतली नॉजल वाला है, इसके अलावा जो बड़ी नॉजल वाला होता है वो भी वहाँ पे था. एंड एज यू गाइज नो आई एम इन टू गार्डनिंग एंड आई लव प्लांट्स, सो दिस वॉज अ मस्ट हैव फॉर मी. और ये मुझे वहाँ मिल गया एंड आई गॉट इट. सो कोट तो वो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे इसके लिए, स्टार्टिंग विद 600, 800 और कई लोग 400 और कई लोग डायरेक्टली 200 भी कोट कर रहे थे, बट आई फाइनली गॉट इट फॉर जस्ट ₹100 विच वॉज लाइक अ वेरी गुड डील. क्वालिटी वाइज इट्स नाइस, बस द ओनली डिफेक्ट दैट आई सॉ वॉज कि कहीं कहीं पे हल्का हल्का सा रस्टेड है, बट दैट इज लाइक कॉमन. आप इसमें से पानी देंगे जब आप तो वैसे भी इसको थोड़ा बहुत रश तो लग ही जाएगा. इतना ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, जैसे ये यहाँ पे है और छोटा सा स्पॉट है यहाँ पे भी है, सो दैट डजंट मैटर. अगर आपको ये 100 रुपीज़ में मिलना है तो इट इज अ रेडी रेडी नाइस लाइक. अगर आपने टूर वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अभी आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है. ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने नहीं देखी है सो यू डोंट वॉन्ट टू मिस इट बिकॉज इट हैज अ अमेजिंग कलेक्शन. और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई मेला लगा हुआ है, दिवाली मेला टाइप. It's a festive range over there, so you don't want to miss it out really. So go and check it out. Next item जो मुझे वहाँ पे मिली वो था this jute bag and it was like I saw it and I bought it. It was like that kind of an item क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी. ये जूट ही नहीं, this is like jute and bamboo का combination. इसमें ये strap भी है और यहाँ पे आपको ये क्लॉथ वाला बैग मिल रहा है अंदर से, सो दैट यू कैन सिक्योर योर आइटम. द ओनली डिफेक्ट इट वॉज हैविंग वॉज कि इसका ये स्ट्रैप टूटा हुआ था. इट कैन बी फिक्स्ड इजीली, आप इसको नॉर्मली कहीं से भी स्टिच करवा सकते हैं. द कलर एंड द टाइप ऑफ दिस बैग आई जस्ट लव्ड हाउ इट वॉज एंड मेरे को इस टाइप का एक बैग लेना भी था काफी टाइम से, तो मैं इसको बैग की तरह यूज नहीं कर रही हूँ अभी. आई हैव केप्ट सम फ्लावर्स इन इट एंड आई एम यूजिंग इट एज अ डेकोरेटिव पर्पज बिकॉज वी आर नॉट गोइंग आउट दैट मच इन दिस कोरोना सिचुएशन. बट येस, गिवन अ चांस, जब मैं कहीं जाऊंगी एंड आई वॉन्ट टू यूज इट, आई कैन यूज इट एज अ बैग. आई माइट गेट दिस स्ट्रैप फिक्स्ड, अगर ये नहीं भी करवाऊंगी तो आई कैन यूज इट एज लाइक दिस ओनली हैंडल के साथ. और प्राइस की अगर मैं इसकी बात करूँ तो यू वॉन्ट बिलीव ये मुझे सिर्फ ₹250 में मिल गया. दिस काइंड ऑफ एन अमेजिंग आइटम. आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ बैग्स ऑनलाइन एंड आई हैव बीन स्पॉटिंग देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और वो 1500 1600 इससे कम में नहीं मिलते हैं एंड गेटिंग इट फॉर ₹250 वाज अ स्टील डील फॉर मी. सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इन बंजारा मार्केट इज लाइक कि आपका बहुत ही लॉट में सामान पड़ा होता है एंड आपको बहुत पिकी होना पड़ता है चूज करने के लिए, बट ऐसा केस नहीं था इस बार. इस बार सारा सामान एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पे था और सब कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखा गया था, विच वॉज रियली नाइस टू सी. और नेक्स्ट आइटम इज दिस क्वर्की टेबल लैम्प जो कि बहुत ही प्रिटी और बहुत ही कलरफुल है. जैसे कि मेरे घर का थीम जो है वो बहुत कलरफुल है, सो दिस पीस कम्प्लीटली फिट्स इन माई हाउस. और मतलब थोड़ा सा जैसे चुंबक, इफ़ यू नो अबाउट द ब्रांड चुंबक, तो चुंबक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वैसा वाइब दे रहा था ये. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि जितने भी इस बार वहाँ पे लैम्प्स थे, वेदर इट वॉज टेबल लैम्प्स या फिर आपके फ्लोर लैम्प्स थे, ट्राईपॉड लैम्प्स थे, दे वर ऑल फ्रॉम पेपर फ्राई. सो ये भी पेपर फ्राई में से ही एक लैम्प था एंड आई रियली लाइक इट. इट्स लाइक रियली सिंपल और मैं इसको अपने स्टडी टेबल पर रख सकती हूँ या फिर मैं अपने बेडसाइड टेबल पर भी रख सकती हूँ. सो बहुत ही प्यारे कलर्स इस पे यूज हुए हैं, फ्लोरल एंड बर्ड प्रिंट है इसके ऊपर. यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का स्विच मिल जा रहा है एक और मिटाली का, इसमें ये सिंपल सा बेस है.
ये भी मुझे काफी अच्छा लगा एंड दिस वन आई गॉट फॉर ₹400 ओनली व्हिच आई थॉट वाज ओके ओके डील फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. नेक्स्ट आइटम की अगर मैं बात करूं तो वो है दिस स्पेक्टिकल होल्डर, स्पेक्टिकल और शेड्स, व्हाटएवर यू वांट टू कीप ऑन इट. सो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है बिकॉज फॉर अ पर्सन लाइक मी जो स्पेक्स पहनती है और अपनी स्पेक्स इधर उधर फेंकती रहती है रोज के रोज एंड देन मुझे ढूंढने पड़ता है. सो मेरे पास 3 पेयर्स हैं बिकॉज मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं कहीं भी रख देती हूँ एंड देन आई फॉरगेट अबाउट इट. तो उसके लिए ये आइटम इज अ मस्ट हैव. दिस इज रियली क्यूट एज वेल. अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, नोज सा है, बट वेन यू कीप अ स्पेक्टिकल ऑन इट इट वुड लुक रियली क्यूट. सो आप इसमें कुछ इस तरह से अपने चश्मे को रख सकते हैं, शेड्स भी रख सकते हैं, चश्मा भी रख सकते हैं, व्हाटएवर यू फील लाइक कीपिंग इट. सो बहुत अच्छी यूटिलिटी की आइटम है, प्रॉपर वुड से बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है, बहुत स्टर्डी है, बहुत सॉलिड आइटम है. Amazon पे भी अवेलेबल है आई थिंक अराउंड 100 और 150 रुपीज, बट बेचारा मार्केट से मुझे बस 50 रुपीज में मिली. सो दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी नाइस डील. यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक और प्रोडक्ट लिया है होम यूटिलिटीज में, वो है ये वुडन हैंगर्स. सो बेसिकली मैंने सेट ऑफ 5 वुडन हैंगर्स लिए थे वहां से. ये भी हमें रैंडमली एक शॉप पे एक बॉक्स में पड़े हुए मिल गए थे. कोट तो वो बहुत ज्यादा कर रहे थे लाइक 80 रुपीज, 100 रुपीज पर हैंगर, बट वी गॉट इट फॉर ₹40 पर हैंगर. और क्वालिटी वाइज ये हैंगर्स भी बहुत स्टर्डी और बहुत अच्छी हैं. एक्चुअली में अगर आप लेने जाएंगे तो 100 रुपीज के नाम भी आपको मिलेंगे, बट हमें वहाँ पे 40 रुपीज में मिलेंगे. तो ये भी एक अच्छी डील थी जो हमें वहाँ पे मिलेगी. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किचन के सेक्शन की, सो मैंने किचन के लिए भी कुछ आइटम्स ली हैं विच आर नॉट वेरी कॉमन, जैसे यूजुअल प्लेट्स और मग्स, ऐसा सब कुछ नहीं लिया है, थोड़े से डिफरेंट आइटम्स लिए हैं. सो लेट मी शो यू गाइस वो क्या है. फर्स्ट आइटम इज दिस बोल विद अ लिड. बेसिकली अनार की शेप का ये बोल है विद लिड और यहाँ पे एक गोल्डन कलर का इसको टिप दिया गया है जो वेरी नाइस, इसकी बहुत क्लासी लुक है. इट्स समथिंग लाइक दिस. ये भी मुझे देखते ही वहाँ पे पसंद आ गया बिकॉज बहुत आई कैची था, एक डिफरेंट सी आइटम थी. ये मैंने दो लिए हैं वहाँ से ऐसे और ये किसी भी तरीके से यूज हो सकते हैं. आई हैव बॉट दिस बिकॉज मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकती हूँ बहुत आराम से बिकॉज फेस्टिव सीजन आ रहा है तो यूजुअली घर पे गेस्ट वगैरह आते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी और यूनिक आइटम लगेगी उस टाइम पे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कीप योर ज्वेलरी एज वेल इन दिस, मतलब छोटे छोटे आपके इयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, रिंगलेट्स, तो उसके लिए भी आपके काम आ सकता है और आप इसको ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हो. तो ये भी एक बहुत अच्छी आइटम लगी मुझे और दीज आई गॉट फॉर ₹100 ईच. According to the price, ये item भी काफी अच्छा. Next item in the kitchen section is this opener which has love written over here. और quality बहुत अच्छी है, solid metal का ये बना हुआ है और love की जो writing ये calligraphy में लिखा गया है बहुत सुंदर से लिखा गया है और golden color में है, बहुत ही अच्छा sturdy ये opener है. तो इस type का वहाँ पे gather भी था और love भी था. I like love तो मैंने love लिया है and this one was just for ₹100. And the quality is amazing for a product of this hundred, trust me guys. So another cute purchase for my kitchen. Next is set of these 2 hexagon plates that I bought. जैसे कि मैंने बोला मैंने कॉमन चीज़ें नहीं ली हैं, तो ये भी डिजाइनर काइंड ऑफ प्लेट्स है जो कि आप स्नैक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर वैसे ही कुछ खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको इनको एज अ डेकोर पीस भी यूज़ करना है, कुछ ट्रे की तरह रख के ऊपर कैंडल्स रख दें या वैसा कुछ करना चाहें आप फेस्टिव सीजन के लिए, तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं. सो टील कलर में मैंने ली है बिकॉज टील कलर इज़ वेरी एविडेंट इन माई हाउस. क्वालिटी की अगर बात करूँ तो सिरामिक ट्रेज हैं, हैवी ट्रेज हैं और ऑब्वियसली ब्रेकेबल हैं, तो बहुत केयर के साथ रखना पड़ेगा और मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे ये भी. और दीज कॉस्टेड मी ₹100 ईच अगेन. तो इस टाइम पे सिरामिक की भी काफ़ी वाइड रेंज है मार्केट में, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी एंड रेट्स आर रीजनेबल, ऐसे ही 100, 120, 200 के अंदर आपको थोड़े से डिजाइनर प्लेट्स वगैरह और ट्रेज वगैरह भी मिल जाएंगे, वन ऑफ विच आई हैव बॉट. नेक्स्ट आइटम इज अगेन दिस बोट शेप्ड ट्रे. तो बेसिकली ये भी एक स्नैक ट्रे है जिसमें यहाँ पे आप कुछ केचप सॉस या फिर चटनी रख के यहाँ पे अपना स्नैक सर्व कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है इसमें जो भी आप सर्व करते हैं एकदम लग्जूरियसली लुक देता है. सो ये भी बहुत अच्छी आइटम है जो कि वहाँ से मिली है हमें. और अगेन दिस वॉज ऑल्सो आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट प्राइस, बट हाँ कुछ 120-140 की रेंज में ही था, उससे ज़्यादा नहीं था. नेक्स्ट इन द किचन सेक्शन इज अ सेट ऑफ दीज 3 क्यूट लिटिल मेजरिंग कप्स.
बेसिकली ये सेट ऑफ फोर में वहाँ पे अवेलेबल था, बट जो फोर्थ साइज था वो बहुत ही छोटा था एंड इट वॉज ऑफ नो यूज, तो मैंने सेट ऑफ थ्री में ही ले लिया. सेट ऑफ फोर देवर कोटिंग अराउंड 150 और ये मैंने 110 में सेट ऑफ थ्री लिए थे. तो बेसिकली यहाँ पे एक कप है, वन कप, इसके बाद 3/4 का और उसके बाद हाफ कप का अमेजिंग कप है, और जो फोर्थ वाला था वो 1/4 कप का था. तो ऐसा कुछ नहीं है कुछ ये अमेजिंग यूनिट है लाइक कि 1 लीटर है और हाफ लीटर है, वैसा कुछ नहीं है. बट यस, एक मेजरिंग के लिए आपका हो सकता है यूज ये, जैसे कि अगर आपको किसी डिश में किसी चीज़ का 1 कप डालना है और दूसरी चीज़ का हाफ कप डालना है तो आप इसको यूज करके वो कर सकते हैं. मैंने तो मेजरिंग के हिसाब से तो इतना नहीं लिया, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विद यू. मुझे ये बहुत क्यूट और वर्की लग रहे थे, सो इसलिए मैंने इनको ले लिया. ये एज अ डेकोर पीस मेरे किचन में बहुत अच्छे लगते हैं. ये जो इनका यूज है वो तो होता ही होता है, अदरवाइज ये डेकोर पीसेस भी काफी अच्छे हैं एंड इन द रेंज ऑफ 110 rupees. आई वुड से दिस वाज अगेन गुड. दिस वाज द लास्ट आइटम इन द किचन यूटिलिटीज सेक्शन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इस बार मार्केट में आपको होम फर्निशिंग की भी काफी रेंज मिल रही थी, रग्स, थ्रो पिलोज, थ्रो कुशन कवर्स और टेबल रनर्स, ऐसी काफी रेंज थी वहां पे. उसमें से आई हैव परचेज्ड दिस रग, इट इज लाइक अ स्मॉल रग. बेसिकली इफ यू हैव सीन माई अमेजोन वीडियो, उसमें मैंने एक टेबल रनर परचेज किया था जो कि सिमिलर पैटर्न का था और सिमिलर कलर और वर्क का था. मैंने उसी के साथ मैच करके इसको भी लिया है. क्वालिटी बहुत अमेजिंग है. यहाँ पे आप देख सकते हैं हर चीज पे उसके टैग्स इंटैक्ट है, यहाँ पे उनके साइज मेंशन है और वर्क वाइज अगर देखा जाए तो प्रॉपर हैंडलूम के ये प्रोडक्ट्स हैं. वो टेबल रनर मेरे को अमेजोन से 400 rupees का मिला था, जिसमें कि बस थोड़ा सा ही वर्क है एट द एंड्स ऑफ द रनर, बाकी पूरा रनर प्लेन है. बट ये अगर आप प्रोडक्ट देखें तो ये कम्प्लीटली इस पे हैंडवर्क हुआ है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी में है. बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि यूज प्रोडक्ट है, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है वहाँ से जो मिला है. और दिस कॉस्टेड मी जस्ट ₹250 विच इज लाइक क्वाइट अमेजिंग, बिकॉज ऐसे प्रोडक्ट्स जनरली आपको अमेजोन पे भी अगर मिलते हैं. जो मैंने राना मंगवाया था वो बहुत चीप था, आउट ऑफ ऑल द लॉट मेरे को वो सबसे चीपेस्ट आइटम मिली थी. बट अगर आप इस टाइप के आइटम अमेजोन या अदर ऑनलाइन साइट्स पे देखेंगे तो काफी एक्सपेंसिव भी रहेगी, मे बी 1000 or 2000 तक. बट ये 250 में अगर आपको वहाँ मिल रहा है तो आप इस टाइम पे आइडिया लगा ही सकते हैं कि वहाँ पे आपको किस टाइप की वैरायटी और रेंज मिल रही है होम फर्निशिंग. नेक्स्ट आइटम इन द होम फर्निशिंग सेक्शन इज दिस ब्यूटीफुल रग. ये भी हमने बंजारा मार्केट से लिया है एंड आई कांट बिलीव कि मैंने ये रग बंजारा मार्केट से लिया है, बिकॉज द क्वालिटी इज रियली रियली गुड. और इसमें कोई फॉल आउट नहीं है, कोई धागे निकल नहीं रहे हैं. द साइज ऑफ दिस रग इज 6/4 एंड कलर इसका जो है वो लाइट ग्रे है और ये थोड़ा शेड देता है लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे, बिकॉज जो इसका थ्रेड है वो दोनों साइड मतलब डबल शेडिंग थ्रेड है, तो उसकी वजह से इसके दोनों कलर्स आते हैं. एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है, हैवी रग है, नो फॉल आउट. और इस टाइप के रग जो मैंने अमेजोन पे या अदर ऑनलाइन साइट्स पे देखे हैं इस साइज में दे कॉस्ट मोर देन 5000 rupees और लोकल मार्केट में भी अगर मैं देखूँ तो इसी रेंज में मिलते हैं. बट यू वोंट बिलीव कि मैंने ये बंजारा मार्केट से सिर्फ 1600 rupees में लिया है एंड 1600 इज डेफिनेटली अ स्टील डील फॉर दिस काइंड ऑफ अ कार्पेट. या दिस वाज अनदर परचेज. दिस वॉज द लास्ट आइटम फॉर टूडेज हॉल. सो इस टाइम पे मार्केट इस टाइप के ड्रग्स से कम्प्लीटली भरा हुआ है, तो आप जाके डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट रेंज ड्रग्स की देख सकते हैं एंड रेट्स आपको मैंने बता दिए हैं कि मैंने किस रेट पे लिया है एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी बार्गेन करके अपने लिए कार्पेट ले सकते हैं. दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरी की गई शॉपिंग पसंद आई होगी एंड यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की विच वॉज योर फेवरेट आइटम इन द एंटायर लॉट. Also, on my Instagram account, I do post some makeup, skincare, fashion and lifestyle videos. So, अगर आप लोग उस चीज़ में interested हैं, so please do follow me on my Instagram. आपको link description box में मिल जाएगा and यहाँ screen पे भी ID मैंने mention की हुई है. So, yeah, that's pretty much about today. अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी है उसके बगल में, जिसको प्रेस करने से मेरी सारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी. सो या दैट्स प्रीटी मच.